नमस्कार, मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता सुपरहिट शो में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शट अप। और आज हॉट सीट पे हमारे साथ विराजमान है अनिल कपूर एंड सन्स। और एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे बैठी हैं मिर्जा सैमी खेर एंड कैंडरलेस रिंकू भाभी। जो बोल रहे थे बोलिए, तो क्या कह रहे थे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय शो में जिसका नाम है के भैल। डब्बा ही नहीं खुल रहा था थोड़ा दिनों से, हमने कहा ये तो काम करवा लें। बदतमीज, प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। चलो, मैंने कहा था कि शाम आया तो कह देना कि छेनू आया था, कहा कि नहीं? हाँ, शाम आया था हमने कह दिया उसको छेनू आया था, फिर शाम कहता कि छेनू को कह देना शाम आया था। हम इसी काम लग रहे हैं क्या बोलने बुलाने में? हमको और कोई काम नहीं है क्या? मैसेज देते रहेंगी क्या? अपना सेल्फ कॉन्सेंट्रेट करो, जाओ। हाँ, तेरे तीसरे का चौथा। तो चलिए खेला शुरू करने से पहले सयामी एक बात बताइए। जी सर। कि अगर आप जीत जाती हैं तो कितने % हमारा होगा? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, हम 10% लेते हैं, लेकिन इस केस में जितना आपका जी चाहे 50% दे सकती। मेरे 50% कपूर सीनियर और कपूर जूनियर को जानते हैं सर, तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। तुम्हारे मुंह में W फंसा दूंगा। हमारे मुंह में W फंसाओगे ठीक है, पर तुम हाथ करोगे ऐसे तो उसका तो M बन जाएगा। M से याद आया, मादर फादर का हमेशा सम्मान करें। तो चलिए खेला खेलने के लिए तैयार है आप लोग? और क्या इससे ज्यादा तैयार होगा? ब्याह में जाना है क्या? तैयार है खेला नहीं रहे हो, 15 मिनट से कर रहे हो तैयार है तैयार है, कितना तैयार होगा? तेरी नीचा का चड्डा बात कर रही है। इसलिए गेम के रूल में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जीतने पर मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए, साथ में मेरे साथ एक सेल्फी, और 10 रुपए देके आप प्रिंट आउट भी ले सकती हैं। पहला सवाल अनिल कपूर एंड सन्स के लिए। सन सिर्फ एक ही है भैया जी, एक ही बेटा मेरा कपूर एंड सन। बेटियां भी बेटों जैसे कमा रही हैं सो इसलिए। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन ए पराया धन, ऑप्शन बी काला धन, ऑप्शन सी महिला जयवर्धन, या फिर ऑप्शन डी। तो बताइए सर, हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ये तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिना दिन तो बिल्कुल नहीं है, महिला जयवर्धन। बिल्कुल सही जवाब। कैसा जवाब हुआ भाई? हर्षवर्धन में कौन सा धन लगा हुआ है? ये तो फालतू बात कर रहे हैं। अभी हम मान लीजिए, हमने इसी हिसाब से तो कपिल शर्मा में बर्मा का माँ है, या फिर अपना मामा का माँ है, किसका माँ लगा हुआ है? तो कोई बात नहीं हुआ ना, सवाल ही गलत है। तेरी वाईफाई का पासवर्ड बात कर रही है। दूसरा सवाल पेश है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये अनिल कपूर जी की फिल्म आई थी वो 7 दिन, तो वो 7 दिन कौन से थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडे टू संडे, ऑप्शन बी संडे टू मंडे, ऑप्शन सी फ्राइडे टू थर्सडे, या फिर ऑप्शन डी शोभा डे टू मन्ना डे। बताइए। इस पे मुझे लग रहा है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन? ओके, क्राउड से एक्सपर्ट की राय। आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, पर एक्सपर्ट से तो पूछ लीजिए कि क्या लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट चाय लेना चाहते हैं, हम दूध डुबा के खाएंगे। मैं चाय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाय के साथ आइसक्रीम ले लो। मुझे 50-50 का ऑप्शन चाहिए। आपको 50-50 चाहिए? ठीक है, तो ये रहे आपके 50 आपके और 50 आपके। अब बताओ। दीजिए जवाब। इसका जवाब तो फिर हर्षवर्धन देंगे। हर्षवर्धन जी आप डायलॉग सुनिए और डायलॉग बोल के दिखाए। डायलॉग प्ले कर मामा। ए डायलॉग है, बोल के दिखाए तो फिर बात बने। क्या मैं अपने फिल्म से कुछ बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, तीन गवाह है इश्क के, एक रब एक तू और मैं। अच्छा, अगर अनिल कपूर सर बोलेंगे यही डायलॉग तो फिर कैसे बोलेंगे, ये तो देखेंगे हम। डायलॉग बोलना क्या? आकाश, आकाश के पार, आकाश के पार मैं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, आकाश में तू और मैं, तीन गवाह है इश्क के, तीन गवाहें इश्क के, एक रब, एक रब एक तू, एक तू और एक मैं। वाह, 19 शब्दों का डायलॉग और 25 तरीके की वेरिएशन। वाह, बताइए वो 7 दिन कौन से थे? बताइए। हम कह रहे थे कि वो 7 दिन जैसे भी थे आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों? इतने बड़े सुपरस्टार हमारे कानों पे डायलॉग बोल रहे हैं। तेरे कलभूषण का खरबंदा, तुम्हारे चाचा का चौधरी। तुम्हारी इस बात पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा। खड़गाओ। बिल्कुल आपसे इजाजत बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। क्योंकि मैं कहूंगा ही कहूंगा कि जय ललिता को कहते हैं अम्मा, हैं? जय ललिता को कहते हैं अम्मा, अब ममता बनर्जी को कहते हैं दीदी। तेरा मुंह देख के मुझे समझ नहीं आ रहा उल्टे कर्म के सीधी। भाई मुझे ये बहुत शेर पसंद आया। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ताश में 5वां इक्का कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए चिड़ी का, ऑप्शन बी पान का, ऑप्शन सी हुक्म का, या ऑप्शन डी ईंट का। या हम बताते 5वां इक्का हमारा, गेम हुई हमारी, हारी बाजी हम जीते हैं। अब फोन क्यों उठा के ले गया साथ में? हमको ये समझ नहीं आया, तो जुआ बना गया। ऐसी बात नहीं है हर जी, अनिल जी, सैमी जी, हम बहुत अच्छा खिला लेते हैं। अच्छा, आप भी खेलेंगे? खेले खाए हैं हम बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल सुंदर दिखने के लिए, हाँ सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ए नियत का खराबी, बी मेकअप, सी हेलमेट, या डी पॉलिटिकल साइंस। मेकअप तो नहीं हो सकता क्योंकि सैमी जैसी लड़की मेकअप के बिना बेस्ट लगती है। क्या बात, ये तो नेचुरल है ना, हम अपनी मेहनत करके सुंदर लगते हैं, पता है आपको। लेकिन जवाब आपका गलत है। सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दारू। हाँ वो नहीं, हाँ वो क्या है, सुंदर दिखने के लिए जब हमारे मर्द आते हैं ना घर पे दारू पी के, तब हमको कहते हैं वो माधुरी दीक्षित। और जब ऐसे ही आ जाते हैं बिना दारू पिए, तब हमको कहते हैं चंद्रकांत पांडे, जरा पानी तो पकड़ाना। अब हम आपसे पूछते हैं अगला सवाल। ओ हेलो हेलो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं भी हूँ यार। ए, भाई साहब कहाँ, इतना जुगाड़ लगाया है तो आप भाई साहब कैसे हुए? बहन जी हैं। मुझे आपका बहन जी पसंद नहीं आया। एक बात बताइए मेरे को, ये आपका मुंह शुरू से ऐसा है कि गन्ने की मशीन में आ गया था। अच्छा, गन्ने की मशीन में गन्ना पहली बार डालो इनसे खूबसूरत होता है, 2-4 बार निकाल के फिर डालो फिर ऐसा हो जाता है। चलते हैं हमारी खूबसूरती से, हमको देख के तो बड़े बड़े कपूरों का झकास निकल जाता है। ओह माय गॉड, अनिल कपूर साहब आए। अनिल कपूर साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। आपको मिलके ही जकास हो गया। अनिल कपूर सिद्धू साहब, ये अनिल कपूर साहब हैं, इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का दिना दिन दा करके रखा हुआ है। और अनिल कपूर साहब, ये सिद्धू साहब हैं। 1990 में एक बार, मेरी बात सुनो पहले यार, मेरी बात तो सुनो। मैंने कुछ कहा, मेरी बात सुनो, आप बैठिए सर। 1990 में सिर्फ इसीलिए थोड़ी मशहूर है कि आप 0 पे आउट हुए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1990 में सिद्धू साहब 26 साल के हो गए थे। और सोचो आप, 26 साल का बांका गबरू, वो भी पंजाब से, उसको वकार यूनुस ने 0 पे आउट कर दिया है। मैं कहता हूँ सुनिए, अगर आप यहाँ से ना आएंगे तो हम पुलिस में आपका शिकायत कर देंगे। मैंने तेरे मुंह पे लाठी चार्ज करवा देना है। ऐसा नाकेबंदी जैसा मुंह लेके घूम रही है। मैं कहता हूँ मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा मुंह। तुम्हारे मुंह पे धारा 1700 लगवा देनी है। ऐसा 1700 को धारा नहीं होता है। ऐसा मुँह भी कहाँ होता है। वाह वाह, ओए हर्षवर्धन आए। मिर्जा, मुझे आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने आपका वो भी देखा, अपना जो आपने किस किया है, देख के बड़ा मजा आया। अच्छा, मुझे देख के इतना मजा आया तो आपको तो बहुत मजा आया। बढ़िया प्लीज। ओह सैमी, भाई सैमी बाप, मैं बहुत आपका फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपका नाम बड़ा पसंद है मुझे। देख के अगर आपके दिल में कुछ आ रहा हो तो मेरी तरफ से हाँ है। बैठिए। कैसी है आप? ये मैंने कुर्सी में पहिए लगवाए इसीलिए, ताकि ऐसे ऐसे खेल सके। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे होते हुए उनसे छेड़खानी की तो हम बीच में आकर बैठ जाएंगे, बोल रहे हैं। बेटे आप तो अच्छा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, गाने में कितना जी है? आपका ऑप्शन है A 1G, B 2G, C 3G या D 4G। कितना जी है इस गाने में? 4 जी हैं। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी नहीं, करके दिखाए तो पता चले। करके दिखाए, मेरा दिल कर रहा है। ये सवाल था ना, हमने बना के पूछा है। सिद्धू साहब, सैमी जी क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं इसको मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चली जाए, दुनिया से चली जाए। मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मेरे को वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। मेरा मन कच्चा होता है। इधर देखो, खूबसूरती देखो। ऐसा लग रहा है भगवान ने बैठ के 1 डेढ़ महीना आराम से बनाया। इसको लग रहा है भगवान के किसी आदमी ने कहा जी बन के कहते भेज दो जमीन पे भेज दिया। जब इनको भगवान ने बनाया ना, उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा भी कि इसमें जान डालनी है कि तस्मे है। और शूज जैसा मुंह बन गया था। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं सैमी से पूछना चाहता हूँ। मेरे ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है। मेरा सवाल ये है, बेटे सॉरी मैंने मुझे बेटा लिख दिया। मैं आदमी को जो मतलब किस वगैरह होती है वो कितनी देर तक करनी चाहिए? आपके ऑप्शन है जब तक कोई आ ना जाए, या फिर ऑप्शन बी जब तक दिल करे। मैंने आपके इर्द गिर्द रहना है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं बस मिर्जा के लिए बनी हूँ, तो मिर्जा सवाल का जवाब देंगे। मेरी बीवी मेरे को यही कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं दूसरी बीवियों के लिए बना हूँ। मैं तुम्हारे लिए बना नहीं। एक सवाल सुन के ना, हमको तो हमारे हस्बैंड का याद आ गया। बहुत मिस कर रहे हैं उनको। उनको अगर होते तो उनको बुला लो जरा, वो आ जाए तो हो जाए हमारी लाइफ में। झींगा लाला उला ला उला ला। तूने ज्यादा बकवास की, मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा इन नाला। मेरे से हाथापाई नहीं करनी, मैं कहता हूँ। ये पाजी दिखने में औरत है, मुक्का इसका मर्दों वाला है। देखो मेरे साथ लड़ाई नहीं। कब से देख रहे हैं, गेम चल रहा है, करोड़ों का डील चल रहा है, तुम यहाँ आला भाला नाला कर रहे हो। ऐसे किधर चलता है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं चटार घराने से हूं, पता है। पीछे हट जाओ, मेरे साथ हाथापाई नहीं करनी। मैं सिद्धू साहब मेरे हाथापाई हो रही है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। अरे अरे कैसे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार, इधर बैठे हो। और कैसे हो? बहुत बढ़िया। इधर से सोशलाइज नहीं करना है, समझे? चलो इधर से। यहाँ पर यार कमाल होगी, मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशल, मैं बाहर जाने के लिए आया हूँ। आपको जो पैसा दे दीजिए, ले लीजिए, आप जीत गए। चलिए सर, सर पैसे दे दीजिए सर, पैसे दे दीजिए सर। पैसे देगा कौन? सवाल तो यही है मेन मेन सवाल तो हमने पूछा ही नहीं कि पैसे देगा कौन। मैं अनिल कपूर साहब, आपके बेटे की पहली फिल्म आ रही है, मुझे बहुत खुशी हुई जान के, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और थैंक यू सो मच आप हमारे मोहल्ले में आए। थैंक यू सर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates